बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर शराब दुकान में तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 युवतियां, 2 युवक और एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। अवैध चखना सेंटर चलाने पर आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की थी और कार्रवाई से नाराज होकर आरोपियों ने मारपीट कर दी। 25 जून को चिंगराजपारा शराब दुकान में ये घटना हुई थी और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सरकंडा पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। तो एक तरफ आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर 25 जून को शराब दुकान में यह घटना हुई थी। शराब दुकान में तोड़फोड़ मामले में फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए योगिता, एक दिन पहले ही बीते शाम अगर कहें तो चिंगराजपारा शराब दुकान में वहां के कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया था। मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें कुछ युवतियां, कुछ युवक जो है शराब दुकान में पथराव करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही जो शराब दुकान का मैनेजर है उसको लाठी डंडे से पीटते नजर आ रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई थी। पुलिस ने तत्काल यहां पर जांच जो है वो शुरू किया था और जिसके बाद अब यहां पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 4 युवतियां हैं, 2 युवक है और एक नाबालिग इसमें शामिल है। जानकारी यहां पर जांच में सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ही यहां पर जो आबकारी विभाग है अवैध चखना दुकानों के संचालन की सूचना मिली थी जिसकी सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो शराब दुकान के आसपास अवैध चखना दुकान चलाते हैं तो इसी को लेकर यहां पर आबकारी विभाग ने इन पर कार्रवाई की थी। इसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने शराब दुकान के मैनेजर के साथ मारपीट की थी और शराब दुकान में तोड़फोड़ की थी। हालांकि इस दौरान जो युवक युवतियां हैं उन्होंने आरोप भी लगाया था कि आबकारी विभाग उनसे अवैध वसूली करता है। फिलहाल लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जांच की है, जांच में बातें सामने आई हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है कि युवतियों ने यहां पर जमकर हंगामा मचाया है, शराब दुकान में तोड़फोड़ किया है जिसके बाद 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग धाराओं के तहत इन पर यह कार्रवाई जो है की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।